वेलकम टू लेक्चर नंबर 5 ऑफ MCS। 15 केसेस ऑलरेडी हमने कवर कर लिए हैं, वो सारे 15 केसेस हमारे YouTube चैनल पे अपलोडेड हैं। आज हम शुरू करते हैं केस नंबर 16। केस नंबर 16 है ROC वेस्ट बंगाल वर्सेस करण किशोर समतानी। ये केस रिलेटेड है सेक्शन 165 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 और सेक्शन 441 ऑफ कंपनीज एक्ट 13। सेक्शन 165 बात करता है मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप की और सेक्शन 441 है हमारा कंपाउंडिंग का। इस केस में जो क्वेश्चन था वो ये था कि क्या जो मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड जो आपका फाइन है उससे कम हो सकती है आपकी कंपाउंडिंग फीस, क्या कंपाउंडिंग फीस जो है वो मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड फाइन से कम हो सकती है। इस केस में इस चीज़ की बात की गई है। सेक्शन 165 हमारा डील करता है मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप से। सेक्शन 165 कहता है कि एक बंदा मैक्सिमम 20 कंपनीज में से डायरेक्टर हो सकता है। इसमें से भी अगर उसे मैक्सिमम 10 पब्लिक कंपनी से ज़्यादा डायरेक्टर नहीं हो सकता, 20 में से भी अगर उसे पब्लिक कंपनी में डायरेक्टर होना है तो मैक्सिमम 10 पब्लिक कंपनी में डायरेक्टर हो सकता है, बाकी 10 क्या होंगी प्राइवेट कंपनी। ये बात लिखी है सेक्शन 165 सबसेक्शन 1 में। सेक्शन 165 सबसेक्शन 3 में क्या लिखा है कि अगर कोई बंदा डायरेक्टर है, 20 कंपनीज से ज्यादा कंपनीज में डायरेक्टर है बिफोर कमेंसमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, तो कंपनीज एक्ट 2013 की कमेंसमेंट डेट क्या थी, 1 अप्रैल 2014। इसके विद इन वन ईयर यानी 31 मार्च 2015, इसमें उसको डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरे को किस किस कंपनी में डायरेक्टर रहना और किस कंपनी में मेरे को रेजिग्नेशन देनी है। इसके बाद यानी कि 1 अप्रैल 2015 के बाद अगर कोई बंदा 20 कंपनी से ज्यादा कंपनी में डायरेक्टर रहेगा तो उस पर क्या लगेगा, 5000 पर डे के हिसाब से पेनल्टी लगेगी। पर डे के हिसाब से क्या लगेगी, पेनल्टी लगेगी। ये बात लिखी है सेक्शन 165 सबसेक्शन 6 में। हमारे केस में क्या हुआ, ROC ने करण जी को शो कॉज नोटिस भेजा कि आप 20 कंपनी से ज़्यादा डायरेक्टर हैं, 20 कंपनी से ज़्यादा कंपनीज में डायरेक्टर हैं, तो क्यों ना आपके आपके ऊपर अंडर सेक्शन 165 प्रोसिक्यूशन चलाई जाए। ये शो कॉज नोटिस ROC ने भेजा 27 जनवरी 2016 को। तब तक शायद ये लोग सो रहे होंगे, जब शो कॉज नोटिस आया ROC का तो जागे उठे और इन्हें पता चला कि अच्छा एज पर सेक्शन 165 हम 20 कंपनी से ज़्यादा कंपनीज में डायरेक्टर नहीं हो सकते। जैसे फैक्ट्स हैं इस केस से, उस केस से ये लग रहा है कि इस कंपनी ने इस डेट के बाद क्या की, एक बैक डेटेड फेक मीटिंग दिखाई, पेपर मीटिंग दिखाई, या फिर उन्होंने रेजिग्नेशन डाला अपना रेजिग्नेशन कौन सी डेट से दिखाया है, विद इफेक्ट फ्रॉम 29 दिसंबर 2015। इन्होंने या तो मीटिंग में कराया होगा या रेजिग्नेशन लेटर हुआ होगा, जो भी होगा। इन्होंने क्या किया कि हम जो रिज़ाइन दे रहे हैं वो एक कंपनी से रिज़ाइन दे रहे हैं 29 दिसंबर 2015 की इसकी इफेक्टिव डेट है, और ROC को DIR 12 फाइल किया 10 फरवरी 2016 कि हमने रेजिग्नेशन कर लिया है, इस डेट से हम रिजाइन कर रहे हैं। ROC कहता चलो वो तो ठीक है, पर ये बताओ शो कॉज नोटिस का क्या करें। वो कहते सर माफी होगी, गलती होगी, माफ कर दो शो कॉज नोटिस, हमारा क्या करा दो, कंपाउंडिंग करा दो प्लीज एज पर सेक्शन 441। क्या करा दो, कंपाउंडिंग करा दो अंडर सेक्शन 441। ROC ने क्या की, इनकी कंपाउंडिंग की एप्लीकेशन NCLT को फॉरवर्ड कर दी। NCLT को क्या कर दी, फॉरवर्ड कर दी। NCLT कहता ठीक है तुमसे गलती होगी, माना, 50,000 रुपये फाइन दे दो, 50,000 ऑल इन ऑल फाइन दे दो और तुम्हारी कंपाउंडिंग होगी। ROC कहता सर आप ये क्या कर रहे हो,
जो मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड जो फाइन है, जो पेनल्टी है एज पर सेक्शन 165, वो कितनी है? 5,000 पर डे। और इन्होंने 272 डेज, इतने दिनों तक इनका ऑफेंस चला। कौन सी डेट से कौन सी डेट तक इनका ऑफेंस चला? 1/4/2015 से 28 दिसंबर 2016 तक 272 डेज बनते हैं, और यहाँ तक इनका क्या चला? ऑफेंस चला। और अगर आप 5,000 रुपये पर डे के हिसाब से कैलकुलेट करो तो इनका 13,60,000 रुपये बनता है। आप सिर्फ 50,000 रुपये में छोड़ रहे हैं। आरओसी ने इस बात की अपील किसको कर दी? एनसीएलएटी को, कि ये जो कंपाउंडिंग की फीस इन्होंने बताई है ये बहुत कम बताई है, और कंपाउंडिंग की फीस मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड फीस जो उस ऑफेंस के लिए उससे कम नहीं हो सकती। तो एनसीएलएटी बोला कि बात तो ठीक है तुम्हारी, इनका जो हम 50,000 का ऑर्डर है इसको सेटिसाइड कर रहे हैं, 13,60,000 रुपये देने पड़ेंगे कंपनी को। आरओसी बिल्कुल ठीक है, 50,000 रुपये आपने एनसीएलटी के ऑर्डर पे दे दिए, 13,10,000 रुपये आप क्या करो, 60 दिन में एनसीएलटी को जमा करवा दो। ये डिसाइड हुआ इस केस में। नेक्स्ट केस आता है हमारा एसपी वेलुमनी वर्सेस मैग्नम स्पिनिंग मिल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये केस है सेक्शन 241 सेक्शन 242 ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट से रिलेटेड। इस केस में हुआ क्या कि जो एसपी वेलुमनी है ये डायरेक्टर और शेयर होल्डर थे, डायरेक्टर और मेंबर थे किसके? मैग्नम स्पिनिंग के। इन्होंने ये बोला कि इस कंपनी में ऑपरेशन चल रहा है, मिसमैनेजमेंट चल रहा है कंपनी में, बोगस ट्रांजैक्शंस हो रही है, साइफनिंग ऑफ फंड्स हो रहा है। तो और कंपनी ने इसका रिप्लाई दिया, और देखते हैं कि डिसीजन फाइनली क्या आया। इस कंपनी, इस केस के फैक्ट्स हैं कि ये जो एसपी हैं ये डायरेक्टर एंड मेंबर हैं किसके? मैग्नम के। इन्होंने क्या बोला कि कंपनी में क्या चल रही है? बोगस ट्रांजैक्शन चल रही है, फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन चल रही है, साइफनिंग ऑफ फंड्स चल रहा है किसमें? मैग्नम में। इन्होंने ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट का एप्लीकेशन पिटीशन किसको लगा दी? एनसीएलटी को, सेक्शन 241, एज पर सेक्शन 241 एनसीएलटी को जाके ये बोलते हैं कि इन्होंने ना बैड डेट्स को राइट ऑफ कर दिया, कंपनी ने बैड डेट्स को राइट ऑफ कर दिया, और कंपनी ने एक बोर्ड मीटिंग बुलाई, उस बोर्ड मीटिंग ने कंपनी ने मेरे को नोटिस नहीं दिया, मैं डायरेक्टर था, मेरे को क्या नहीं दिया? नोटिस नहीं दिया। उस कंपनी में, उस बोर्ड मीटिंग में एक रेजोल्यूशन पास कराया चेंज इन बैंक सिग्नेटरी का। क्या होता है ना, कंपनी के बहुत सारे बैंक अकाउंट्स होते हैं, कंपनी को डेली फाइनेंस टीम को डील करना पड़ता है, पेमेंट लेनी होती है, पेमेंट देनी होती है, तो कंपनी क्या करती है, ऑथराइज सिग्नेटरी कर देती है, कि लोगों को ऑथराइज कर देती है, बेसिकली फाइनेंस के टीम को ऑथराइज कर दिया। मान लो 10 लाख रुपए के लिए एक बंदे को ऑथराइज कर दिया, अगर 10 लाख से 50 लाख की ट्रांजेक्शन है तो किसी दो डायरेक्टर को ऑथराइज कर दिया, अगर 50 लाख से ऊपर की ट्रांजेक्शन है तो और किसी लोगों को ऑथराइज कर दिया। तो ऐसे ऑथराइजेशन होती हैं। तो ये बंदा क्या था? एसपी क्या था? डायरेक्टर था और मेंबर था, ये बैंक सिग्नेटरी भी था। क्या था? बैंक सिग्नेटरी भी था। कंपनी ने रेजोल्यूशन पास करके चेंज कर दिया बैंक सिग्नेटरी, इसका मतलब इसका नाम उस सिग्नेटरी के लिस्ट से हटा दिया। इस बात से ये बंदा खुश नहीं था, और इस बात से ये झूठे कंटेंशंस लेके एनसीएलटी के पास आया था। जब आप कंपनी सेक्रेटरी बन जाओगे ना, फॉर योर प्रैक्टिकल नॉलेज, जब आप कंपनी सेक्रेटरी बन जाओगे तो आपको ना हर दूसरे महीने एक आरबीसी तो पास कराना ही पड़ता है कि चेंज इन बैंक सिग्नेटरी का, क्योंकि फाइनेंस टीम का कभी कोई बंदा चला गया, कभी कोई आ गया, कभी कोई डायरेक्टर चला गया, कोई नया डायरेक्टर आ गया, तो ये चलता रहता है। और कंपनी के बहुत सारे बैंक अकाउंट्स भी होते हैं, कंपनी ऑल ओवर द इंडिया ऑपरेट करती है, बहुत सारी लोकेशंस पे अकाउंट्स होते हैं, और इनफैक्ट आरबीसी या बोर्ड मीटिंग आपको हर दूसरे महीने आपको ये सब कराना ही पड़ता है। तो इस बंदे ने क्या बोला कि मेरे को क्या नहीं दिया, नोटिस नहीं दिया, रेजोल्यूशन पास करा दिया, रेजोल्यूशन क्या है? गलत है, बोर्ड मीटिंग गलत तरीके से पास की। कंपनी ने इसके रिप्लाई में क्या बोला कि इनको नोटिस गया हुआ है, कंपनी सेक्रेटरी को ना प्रूफ ऑफ सेंडिंग नोटिस संभाल के रखना पड़ता है,
इसी दिन के लिए कंपनी ने क्या सबमिट कर दिया, प्रूफ ऑफ सेंडिंग नोटिस बाय ईमेल गया था ये कंपनी ने एनसीएलटी को जमा करा दिया। अटेंडेंस रजिस्टर ये भी कौन मेंटेन करता है, कंपनी सेक्रेटरी। बोर्ड मीटिंग आने से पहले क्या होता है, अटेंडेंस रजिस्टर साइन होता है। बोर्ड मीटिंग पे जाने के टाइम क्या होता है, अटेंडेंस रजिस्टर साइन होता है। इसका मतलब इन टाइम और आउट टाइम, इसका मतलब आप किस टाइम बोर्ड मीटिंग में आए, किस टाइम बोर्ड मीटिंग से गए, ये सब क्या होता है, रिकॉर्ड होता है। अटेंडेंस रजिस्टर ये दोनों किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कंपनी सेक्रेटरी की। तो इनको ईमेल प्रूफ भी सबमिट करा दिया, अटेंडेंस रजिस्टर भी सबमिट करा दिया और ये प्रूफ हो गया कि ये बंदा इस बोर्ड मीटिंग में आया था। इसके जो कंटेंशन है ये क्या है, रॉन्ग है, फेक है, फॉल्स है। दूसरी कंटेंशन क्या थी, इन्होंने बैड डेट्स, कंपनी ने बैड डेट्स राइट ऑफ कर दिया। एनसीएलटी ने बोला कि बैड डेट्स राइट ऑफ करना कंपनी का इंटरनल मैटर है, कंपनी का ये क्या है, इंटरनल मैटर है और इसमें एनसीएलटी या फिर कोई भी कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा। एनसीएलटी ने रेफरेंस दिया एक केस का, एनसीएलटी का एक केस था जिसका रेफरेंस दिया, अपर इंडिया स्टील मैन्युफैक्चरिंग एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड वर्सेस गुरलाल सिंह ग्रेवाल। इस केस का रेफरेंस देते हुए एनसीएलटी ने बोला, इस केस का रेफरेंस देते हुए कि हम क्या करेंगे, हम इस मैटर में इंटरफेयर नहीं करेंगे, बैड डेट्स राइट ऑफ करना कंपनी का एक इंटरनल मैटर है और इस जो भी आपने ट्रांजैक्शंस बताई हैं उसमें हमें कुछ भी गलत नहीं लग रहा है। ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट क्या होता है, ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट अत्याचार होता है, आपके साथ हमें कोई अत्याचार होते हुए नहीं दिख रहा। मिसमैनेजमेंट क्या होता है, कंपनी को गलत तरीके से चलाना, कंपनी को कोई गलत तरीके से भी नहीं चला रहा, बोर्ड की पावर है, उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया, मेजोरिटी इन्होंने रेजोल्यूशन पास किया, चेंज इन सिग्नेटरी कर दिया, आपको नोटिस भी गया था, आपने मीटिंग अटेंड भी करी है, बैड डेट्स राइट ऑफ करे, बाय मेजोरिटी डिसीजन हुआ, बाय मेजोरिटी रेजोल्यूशन पास हुआ, इसमें भी हमें कुछ गलत नहीं लगता है। ये जो एसपीवी हैं, ये डायरेक्टर ये कहाँ चले गए, ये एनसीएलटी चले गए। इन्होंने अपील कहाँ कर दी, एनसीएलटी में। एनसीएलटी में ने भी सेम बोला कि एनसीएलटी ने जो बोला है, एनसीएलटी का डिसीजन सही है, आपको नोटिस गया था, प्रूफ ऑफ सेंडिंग नोटिस है, अटेंडेंस रजिस्टर में आपके साइन है, इन आउट साइन है। अगर आपको ये बात पसंद नहीं आई कि आपको सिग्नेटरी के ऑथराइजेशन से हटा दिया, चेंज इन सिग्नेटरी ने कंपनी कर दिया, तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, कंपनी का डिसीजन है। आपका कोई प्रोमोटर एग्रीमेंट नहीं हो रखा, कोई कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट नहीं हो रखा, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी में कुछ ऐसा नहीं लिख रखा कि आप हमेशा के लिए बैंक सिग्नेटरी रहेंगे, तो ये जो कंपनी ने हटाया है एज पर लॉ है और जो राइट ऑफ करने का डिसीजन है कंपनी का एज पर मेजॉरिटी है, कोई दिक्कत नहीं है हमें इन ट्रांजैक्शन में, जो जो आपने ट्रांजैक्शन बताई है इसमें कोई दिक्कत नहीं लग रही। इनका मैटर क्या कर दिया, सेटिसाइड कर दिया, या क्या बोला गया, इनकी जो कंटेंशन है, इन्होंने जो बोला है क्या है, टोटली बेसलेस है। अब हम शुरू करते हैं केस नंबर 18 है लेट मोना अग्रवाल वर्सेज गाजियाबाद इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड। मोना अग्रवाल थ्रू हर लीगल हेयर मिस्टर विजय कुमार अग्रवाल। ये केस रिलेटेड है सेक्शन 248, सेक्शन 252, सेक्शन 271 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 से। बेसिकली स्ट्राइकिंग ऑफ के प्रोविजंस और वाइंडिंग अप के प्रोविजंस कैसे वर्क करते हैं, कैसे प्ले होता है, ये देखते हैं। इस केस में कुछ टाइमलाइंस हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी, देखनी पड़ेंगी, ऑल्दो एग्जाम के लिए इतनी रेलिवेंट नहीं है कि आपको टाइमलाइंस तो याद नहीं करनी, पर केस को समझने के लिए, फैक्ट समझने के लिए आपको टाइमलाइंस देखनी पड़ेंगी। ये केस एक वाइंडिंग अप केस था जो कि कंपनीज एक्ट 1956 में इसकी वाइंडिंग अप पिटीशन लगी थी। उसके बाद कंपनीज एक्ट 2013 आया, वाइंडिंग अप के प्रोविजंस धीरे धीरे क्या हुए, एनफोर्स हुए और सारे हाईकोर्ट के मैटर वाइंडिंग अप के कहाँ चले गए, एनसीएलटीज में। इस केस में हुआ क्या कि 22 नवंबर 2016 को कंपनी ने वाइंडिंग अप पिटीशन फाइल की कहां पे, हाई कोर्ट में, किसके लिए, अपने वाइंडिंग अप के लिए। सेक्शन 271 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एनफोर्स हुआ 15 दिसंबर 2016 को और उसके साथ एमसीए नोटिफिकेशन आई कि सारे वाइंडिंग अप के केस जो हाई कोर्ट में चल रहे थे वो कहां चलेंगे अब से, वो एनसीएलटी में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। ये केस भी कहां ट्रांसफर कर दिया गया, एनसीएलटी में।
इसी बीच क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ कि कंपनी का ना स्ट्राइक ऑफ कर दिया आरओसी ने। आरओसी एज पर सेक्शन 248 स्ट्राइक ऑफ कर सकता है, उसके ग्राउंड्स हैं वहाँ पे कि कंपनी बिजनेस कैरी ऑन नहीं कर रही एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आरओसी ने क्या कर दिया कि कंपनी को स्ट्राइक ऑफ कर दिया अंडर सेक्शन 248 सबसेक्शन 5। कंपनी ने इस बात के लिए अपील करी अंडर सेक्शन 252 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, किसको, एनसीएलटी को, कि हमारा सर वाइंडिंग का पिटीशन चल रहा है, हमारी कंपनी को स्ट्राइक ऑफ मत करो, हमारी कंपनी का क्या कर दो, रिवाइवल कर दो। आरओसी ने जो हमारी कंपनी को स्ट्राइक ऑफ कर दिया ये गलत है, आप क्या कर दो, रिवाइवल कर दो, क्योंकि हमारी कंपनी का ऑलरेडी आपके पास ही वाइंडिंग अप चल रहा है। एनसीएलटी का एक ऑर्डर आता है। अब ना आपको लगेगा यार, एक तो आरओसी ने यहाँ पे स्ट्राइक ऑफ का ऑर्डर कर दिया, उसके बाद एनसीएलटी का ऑर्डर आता है कि कंपनी को कि फाइल करो वाइंडिंग अप पिटीशन एज पर सेक्शन 271। तो क्या होता है ना कि अलग अलग अथॉरिटीज है, आरओसी ने अपना ऑर्डर दिया, अब एनसीएलटी को नहीं पता ना कि आरओसी में क्या चल रहा है। अगले ही महीने विद इन 28 डेज ही एनसीएलटी ने अपना ऑर्डर दे दिया कि एज पर सेक्शन 271 आप अपना वाइंडिंग का पिटीशन लगाओ हमारे पास। आरओसी के ऑर्डर के खिलाफ, आरओसी के स्ट्राइकिंग ऑफ ऑर्डर के खिलाफ कंपनी ने क्या कर दिया था, अपील कर दी थी एनसीएलटी को। अब एनसीएलटी कहता है यार तुमने एक साइड से तो हमें अपील कर दी नाम रिवाइव करने की, एक साइड से तुम वाइंडिंग का पिटीशन चला रहे हो, ऐसा करो कि तुम्हारा वाइंडिंग का पिटीशन जो है ना हम रिजेक्ट कर रहे हैं, पहले अपना नाम रिवाइव करवा लो, उसके बाद फ्रेश पिटीशन लगा देना। उसके बाद क्या लगा देना, फ्रेश पिटीशन लगा देना। तो एनसीएलटी ने क्या कर दिया, उनकी जो वाइंडिंग अप पिटीशन थी उसको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया और बोला कि फ्रेश पिटीशन लगाना आफ्टर रिवाइवल। सेक्शन 248 सबसेक्शन 8 में क्या लिखा है कि अगर किसी कंपनी का स्ट्राइक ऑफ हो गया ना तो भी वो अफेक्ट नहीं करेगा एनसीएलटी की पावर, एनसीएलटी की वाइंडिंग अप की पावर को अफेक्ट नहीं करेगा। इवन इफ कंपनी का नाम स्ट्राइक ऑफ हो गया तब भी वो इफेक्ट नहीं करेगा एनसीएलटी की पावर जो उसकी है वाइंडिंग अप की। इसको लेके कहाँ चले गया कंपनी, जो अपील इसको कहाँ लेके चले गए, ये मोना अग्रवाल थ्रू हर लीगल हेयर कहाँ चले गए इसको लेके, इस अपील को लेके एनसीएलटी में, एनसीएलटी में अपील डाली अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ एनसीएलटी, जो इन्होंने इसका वाइंडिंग अप पिटीशन इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। इन्होंने रेफरेंस दिया सेक्शन 248 सबसेक्शन 8 का, साथ में इन्होंने एक केस का रेफरेंस दिया, उस केस का नाम है हेमंग फोफालिया वर्सेस द ग्रेटर बॉम्बे कॉरपोरेटिव बैंक। इस केस का रेफरेंस देते हुए इन्होंने कहा कि ये जो इनका रिजेक्शन किया गया है एनसीएलटी के द्वारा ये गलत है। और क्वेश्चन ऑफ लॉ ये था कि क्या एनसीएलटी के पास जो मैटर चल रहा है वाइंडिंग अप का, क्या वो उस मैटर को प्रोसीड कर सकती है इवन आफ्टर द नेम ऑफ कंपनीज हैज बीन स्ट्राइक ऑफ, इवन आफ्टर द नेम ऑफ द कंपनीज हैज बीन स्ट्राइक ऑफ। तो एनसीएलटी का ऑर्डर आया कि सेक्शन 248 सबसेक्शन 8 पावर देता है एनसीएलटी को कि वो वाइंडिंग अप पिटीशन को प्रोसीड कर सकता है इवन इफ द कंपनीज नेम हैज बीन स्ट्रक ऑफ फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ कंपनीज। ये डिसाइड हुआ, अपील थी, ये अपील क्या कर ली इन्होंने, एडमिट कर ली एनसीएलटी ने। नेक्स्ट केस है हमारा केस नंबर 19, बैंक ऑफ बड़ौदा वर्सेस अबान ऑफशोर लिमिटेड। ये केस रिलेटेड है सेक्शन 55 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 से। सेक्शन 55 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 बात करता है इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की। सेक्शन 55 में क्या लिखा है कि कंपनी क्या कर सकती है, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकती,
रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकती है, वो भी कंपनी को 20 साल में रिडीम करने पड़ते हैं। एक एक्सेप्शन है कि इंफ्रा कंपनी क्या कर सकती है, 30 साल तक इशू कर सकती है, वो भी 21st ईयर से उसको 10% रिडीम करना शुरू करना पड़ेगा, 10% एवरी ईयर, वो भी ऑन प्रोरेटा बेसिस। इस केस में क्या हुआ कि कंपनी जो थी वो प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम नहीं कर रही थी। जिन्होंने अपील लगाई उन्होंने बोला कि जो कंपनी है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या कर रही है, डिविडेंड पे कर रही है, पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को रिडीम नहीं कर रही। तो कंपनी कहाँ चली गई, एनसीएलटी में। तो जो अपील लगा रहा है वो भी बैंक है एक तरीके से, वो भी कंपनी है। जिन्होंने अपील लगाई वो कहाँ चले गए, एनसीएलटी। एनसीएलटी ने उनका मैटर क्या कर दिया, डिसमिस। अपील लेके गए फिर वो कहाँ चले गए, एनसीएलटी। एनसीएलटी में बोला देखो उन्होंने तो हमारी सेक्शन 55 में भी अपील डिसमिस कर दी, हम सेक्शन 245 में भी गए थे क्लास एक्शन सूट लगाने, हमें वो भी नहीं लगाने दे रहे, हम क्या करें, हमें समझ नहीं आ रहा। इस केस के अब ब्रीफ फैक्ट समझते हैं कि क्या थे, उसके बाद कौन से सेक्शन अट्रैक्ट हुए और इस केस का डिसीजन क्या आया। सेक्शन इसमें लग रहे हैं सेक्शन 55। सबसे पहले सेक्शन ही देख लेते हैं। सेक्शन 55 सबसेक्शन 1 क्या कहता है कि कंपनी जो है इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकती। कंपनी कैन नॉट इशू इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, या फिर कंपनी शैल नॉट इशू इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। सेक्शन 55 सबसेक्शन 2 में क्या लिखा है कि कंपनी को अगर प्रेफरेंस शेयर इशू करने हैं तो उसे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू करने पड़ेंगे और उसे मैक्सिमम 20 साल में रिडीम करने पड़ेंगे। एक एक्सेप्शन है इसकी इंफ्रा कंपनी के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के लिए जो इंफ्रा प्रोजेक्ट्स बनाती है, 30 इयर्स के प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकते हैं क्योंकि इनके प्रोजेक्ट्स थोड़े बड़े होते हैं, इसलिए इनको एग्जेम्पशन दे रखी है। पर 21st ईयर से आपको 10% पर ईयर या फिर एवरी ईयर प्रोरेटा बेसिस पे क्या करना पड़ेगा, रिडीम करना पड़ेगा। सेक्शन 55 सबसेक्शन 3 में क्या लिखा है, इसके कुछ प्रोवाइजो भी है सेक्शन 55 सबसेक्शन 2 के, कि अगर रिडीम करना है तो कंपनी क्या करेगी, आउट ऑफ प्रॉफिट्स करेगी, और भी एक दो कंडीशंस है जो हमारे फैक्ट जो हमारे केस के लिए ज्यादा रेलिवेंट नहीं है। सेक्शन 55 सबसेक्शन 3 क्या बोलता है कि अगर कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम नहीं कर पा रही किसी वजह से तो कंपनी क्या करे, 3/4 इन वैल्यू प्रेफरेंस शेयर होल्डर से अप्रूवल ले ले, प्रेफरेंस शेयर होल्डर की अप्रूवल प्लस एनसीएलटी की अप्रूवल ले ले, और क्या कर दे कंपनी अगर उन्हें रिडीम नहीं कर पा रही, कंपनी के पास पैसा नहीं है, कंपनी इज अनेबल टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर, तो क्या कर सकती है कंपनी, 3/4 इन वैल्यू प्रेफरेंस शेयर होल्डर की अप्रूवल ले ले, एनसीएलटी की अप्रूवल ले ले, और क्या कर दे, फर्दर प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर दे इनको, इन्हीं शेयर होल्डर्स को फर्दर प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर दे, और ऐसा मान लिया जाएगा कि जो पुराने वाले प्रेफरेंस शेयर्स थे वो क्या हो चुके हैं, डीम मान लिया जाएगा, डीमिंग फिक्शन ले लिया जाएगा कि वो रिडीम हो चुके हैं, डीम कर लिए जाएंगे कि जो पुराने प्रेफरेंस शेयर है वो फर्दर प्रेफरेंस शेयर्स इशू करने के बाद वो जो पुराने प्रेफरेंस शेयर है वो क्या है, रिडीम हो चुके हैं, ये क्या मान लिया जाएगा, डीम कर लिया जाएगा, ये लिखा है। सेक्शन 245 देख लेते हैं क्या लिखा है सेक्शन 245 में। सेक्शन 245 बात करता है, ये दोनों सेक्शन एक्चुअली इस केस में काम आएंगे इसलिए हम पहले डिस्कस कर रहे हैं ताकि केस के फैक्ट्स के टाइम आपको सब कुछ पता हो। सेक्शन 245 डील करता है क्लास एक्शन सूट से। क्लास एक्शन सूट क्या होता है, अगर किसी ग्रुप ऑफ पर्सन को क्या हो, ग्रुप ऑफ पर्सन को तकलीफ है कंपनी से, क्या है कंपनी से तकलीफ है, कंपनी में क्या चल रहा है, कुछ रॉन्गफुल एक्ट चल रहा है कंपनी में, क्या चल रहा है, अल्ट्रा वायर्स एक्ट चल रहा है, अल्ट्रा वायर्स टू एमओए एओए, अल्ट्रा वायर्स टू कंपनीज एक्ट 2013, कोई ऐसा एक्ट चल रहा है जो कि ठीक नहीं है, रॉन्ग एक्ट चल रहे हैं, अल्ट्रा वायर्स एक्ट चल रहे हैं, एक्ट चल रहे हैं अगेंस्ट लॉ, कोई एक्ट हो रहा है कंपनी में
दैट इज अगेंस्ट लॉ. तो ग्रुप ऑफ पर्सन इनको क्या पहुंच रही है, इनको हानि पहुंच रही है, इनको दुख हो रहा है, इनको दर्द हो रही है, इनको पीड़ा हो रहा है, तो ये पीड़ा अपनी कहां लेके जा सकते हैं, एनसीएलटी में लेके जा सकते हैं. सेक्शन 245 क्या बात करता है, क्लास एक्शन सूट की. इनका क्या होना चाहिए, ग्रुप ऑफ पर्सन का कॉमन कंसर्न होना चाहिए, कॉमन कंसर्न, जिस कंसर्न से इनको तकलीफ है, कंपनी के कुछ रॉन्गफुल एक्ट से इनको तकलीफ है, क्या होना चाहिए, कॉमन कंसर्न होना चाहिए. क्या जा सकते हैं, एनसीएलटी में जा सकते हैं, क्लास एक्शन सूट फाइल्स कर सकते हैं अगेंस्ट द कंपनी. अब सेक्शन 245 सबसेक्शन 3 में क्या दे रखा है, सेक्शन 245 सबसेक्शन 3 में दे रखा है कि कितने नंबर ऑफ मेंबर्स जा सकते हैं क्लास एक्शन सूट को लेके, बाय वैल्यू भी है बाय नंबर भी है. उसको मैं यहाँ पे ब्रीफ में बता देता हूँ, क्योंकि पूरा बताने का भी कोई इसमें सेंस है नहीं, क्योंकि पूरा तो इसमें लग भी नहीं रहा. वर्बली बता दूंगा और ब्रीफ में यहाँ पे बता देता हूँ कि सेक्शन 245 सबसेक्शन 3 क्या बोलता है कि कितने लोग क्लास एक्शन सूट फाइल कर सकते हैं. 100 मेंबर्स, ऐसी कंपनी जिसकी शेयर कैपिटल है उसमें क्या हो सकते हैं, 100 मेंबर्स और 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स. विच एवर इज लेस, या फिर और मेंबर और मेंबर्स होल्डिंग एटलीस्ट कितना, 1/10 ऑफ इशूड कैपिटल, जितनी इशूड कैपिटल है उसका 1/10 अगर कोई मेंबर या मेंबर होल्ड कर सकता है, कर रहा है, तो क्या कर सकते हैं, वो क्लास एक्शन सूट फाइल कर सकते हैं. कंपनी नॉट हैविंग कैपिटल में क्या होता है, 1/5 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स क्या कर सकते हैं, फाइल कर सकते हैं क्लास एक्शन सूट में. डिपॉजिटर्स भी क्लास एक्शन सूट फाइल कर सकते हैं, उसके लिए भी यही लिमिट है, 100 डिपॉजिटर, 1/10 ऑफ टोटल नंबर डिपॉजिटर, डिपॉजिटर होल्डिंग 1/10 ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ डिपॉजिट्स, वो कहाँ जा सकते हैं, क्लास एक्शन सूट एनसीएलटी में लगा सकते हैं अगर उन्हें कोई तकलीफ है कंपनी के किसी एक्ट से. ये दो सेक्शन हमारे इस एक्ट में, इस केस में हमें काम आएंगे. अब इस केस के फैक्ट्स क्या हैं, इस केस के फैक्ट्स क्या हैं कि जो कंपनी है, कौन, एबीएल, एओएल, अबान ऑफशोर लिमिटेड, और ये क्या है, बैंक ऑफ बड़ौदा. इसको क्लियर कर देते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा ने प्रेफरेंस शेयर्स हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के पास, एओएल के कितने हैं प्रेफरेंस शेयर्स हैं, 30 करोड़ रुपए के प्रेफरेंस शेयर्स हैं किसके पास, बैंक ऑफ बड़ौदा के पास. ये कौन है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर. बैंक ऑफ बड़ौदा कहता है कि कंपनी से हमने कब खरीदे थे, 2005 में और 2007 में प्रेफरेंस शेयर खरीदे थे, कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर इशू किए थे 2005 में 2007 में. कंपनी को रिडीम करने थे प्रेफरेंस शेयर्स, पर कंपनी ने रिडीम नहीं करे, इनफैक्ट कंपनी ने रोल ओवर भी करा लिया, 3 साल का रोल ओवर करा लिया. अब रोल ओवर क्या होता है, जैसे कंपनी रिडीम नहीं करना चाहती, 20 साल का टाइम तो है ना कंपनी के पास, कंपनी कहती है कि चलो हम 5 साल में रिडीम कर देंगे, पर 5 साल के बाद कंपनी कहती है हम अभी रिडीम नहीं करना चाहते, तो कंपनी उस 5 साल को एक्सटेंड कर सकती है, सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स. प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स मान जाए तो उसको क्या हो सकता है, रोल ओवर हो सकता है, और जो भी उसको नेसेसरी अप्रूवल लेनी है उसके बाद क्या कर सकती है, कंपनी ने क्या कर लिया, 3 साल तक रोल ओवर कर लिया. और कंपनी ने क्या किया कि 2011 में बोला, कंपनी ने क्या बोला 2011 में कि हमें 3 साल तक इसको, 3 years फ्रॉम डेट ऑफ रिडेम्पशन, जो भी डेट ऑफ रिडेम्पशन होगी उससे 3 साल बाद हम इसको क्या करेंगे, रिडीम करेंगे, 3 साल का उन्होंने क्या एक्सटेंशन भी ले लिया. ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा की तकलीफ क्या है, बैंक ऑफ बड़ौदा कहता है कि कंपनी ने देखो 2014-15 में इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या करा, 180%
डिविडेंड पे किया, 180% डिविडेंड पे किया, और कंपनी 2015-16 में ना तो हमें डिविडेंड पे कर रही, किसको, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, और ना ही रिडेम्पशन कर रही। हमारा रिडेम्पशन कराओ यार, हमारा रिडेम्पशन ड्यू हो गया, हमारा रिडेम्पशन कराओ, हमको भी पैसे चाहिए अपने वापस। तो कंपनी कहाँ चल गई, कंपनी इस बात को लेके कहाँ चलेगी, एनसीएलटी में, सॉरी बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा के नाम से कंपनी निकल रहा है, बैंक ऑफ बड़ौदा कहाँ ले चला गया, बीओबी कहाँ चला गया, इस बात को लेके एनसीएलटी। एनसीएलटी क्या था, एनसीएलटी ने इनकी जो पेटीशन थी, जो इन्होंने पेटीशन लगाई कि हमारा रिडेम्पशन नहीं हो रहा, इसको डिसमिस कर दिया। एनसीएलटी ने बोला देखो तुम सेक्शन 55 में भी नहीं आ सकते और तुम सेक्शन 245 में भी नहीं आ सकते। सेक्शन 55 में क्या लिखा है, सेक्शन 55 में लिखा है कंपनी अगर पैसे नहीं दे पा रही तो कंपनी क्या कराएगी, अप्रूवल लेगी किससे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर से, एनसीएलटी से, और उसको क्या करेगी, फर्दर प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकती है, और जो पुराने प्रेफरेंस शेयर मान लिए जाएंगे क्या, पुराने प्रेफरेंस शेयर मान लिए जाएंगे क्या, रिडीम्ड। तो यहां पे क्या है, कंपनी की डिस्क्रिशन है, कंपनी के एंड पे है कि वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर की अप्रूवल ले, एनसीएलटी की अप्रूवल ले, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर खुद ब खुद, उसके पास यहाँ पे कोई रिलीफ नहीं है, उसके पास यहाँ पे सेक्शन 55 में कोई रिलीफ नहीं है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर आके हमसे क्या करे, रिडेम्पशन करवाए। ऐसा देखो हर कंपनी को प्रेफरेंस शेयर रिडीम करना ही है, आज नहीं तो कल उसको प्रेफरेंस शेयर रिडीम करना ही है, शायद इसी थॉट को दिमाग में लेके यहाँ पे कोई प्रेफरेंस शेयर होल्डर के लिए कोई रिलीफ नहीं दी गई। और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को रिडेम्पशन ना करो, डिविडेंड ना पे करो, तो उसके अपने कॉन्सिक्वेंसेज हैं, बाद में उनको इक्विटी वोटिंग राइट मिल जाते हैं, कंपनीज एक्ट के प्रोविजन लग जाते हैं, जो भी कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर को अगर डिविडेंड ना दो और रिडेम्पशन ना करो, तो कंपनी क्या करेगी, खुद ही चाहेगी कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को रिडीम हो जाए, इसलिए शायद यहाँ पे रिलीफ के प्रोविजन नहीं डाले गए। तो एनसीएलटी ने यही बोला कि सेक्शन 55 में कंपनी आती है एनसीएलटी का अप्रूवल लेने और प्रेफरेंस शेयर होल्डर का अप्रूवल लेने, ना कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर। सेक्शन 245 से रिलेटेड क्या हुआ कि एओएल ने बोला सर देखो क्लास एक्शन सूट क्या होता है कि एक ग्रुप ऑफ पर्सन को तकलीफ होती है, यहाँ पे कोई ग्रुप ऑफ पर्सन नहीं है, सिर्फ एक बैंक ऑफ बड़ौदा ही है जिसके पास 30 करोड़ के प्रेफरेंस शेयर हैं, सिर्फ इनको ही क्या है, इनको ही तकलीफ है, किससे, रिडेम्पशन से, और किसी को तकलीफ नहीं है। हमारी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं है कि हम प्रेफरेंस शेयर को रिडीम नहीं करेंगे, हमारी कंप्लीट इंटेंशन है कि हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसा वापस देंगे, प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करेंगे। अभी क्या है ना, हमारे पास पैसों की तंगी क्यों चल रही है, क्योंकि ऑयल प्राइसेस में क्या है, अनसर्टेनिटी है, मिडल ईस्ट से हमें कुछ पेमेंट आनी थी वो पेमेंट नहीं आई, और भी हमारे कैश क्रंच चल रहा है, फाइनेंशियल पोजीशन हम इम्प्रूव करने की वेट कर रहे हैं, जैसी फाइनेंशियल पोजीशन इम्प्रूव हो जाएगी हम इनको पैसे दे देंगे। क्लास एक्शन सूट ये नहीं लगा सकते क्योंकि सिर्फ ये अकेले हैं, ग्रुप ऑफ पर्सन तो है नहीं, तो इनको क्लास एक्शन सूट मत लगाने दो। और AOL एक चीज और बोलता है, ये कंपनी एक चीज और बोलती है कि हमने जो 2014-15 के जो 180% लेके आ रहे हैं ना, यहाँ पे जो हमने 180% दिया है, हमने तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी डिविडेंड दिया इस साल में, ये तो इन्होंने नहीं बताया, अपनी बातें छुपा रहे हैं, हमारी बातें बता रहे हैं, ऐसे थोड़ी होता है, फेयर प्ले करो। तो बोला हमने इनको भी डिविडेंड दिया था 2014-15 में, आजकल हमारे पास क्या है, थोड़ा कैश क्रंच है, हमारे पास पैसे नहीं है, रिडेम्पशन कर देंगे, अभी हमारे पास पैसों की दिक्कत है। तो एनसीएलटी ने क्या कर दिया, इनकी जो पेटिशन थी बैंक ऑफ बड़ौदा की, इसको क्या कर दिया, डिसमिस, और ये हो गए हताश निराश, और ये मुंह फुला के कहाँ चले गए, एनसीएलटी जाके बोले सर ऐसे होता है क्या यार, बताओ ऐसे होता है, हमारे पास तो कोई रेमेडी नहीं बची, वी आर रेमेडीलेस, हमारे पास तो कोई रेमेडी नहीं है, अगर आप सेक्शन 55 में भी नहीं आने दोगे, आप सेक्शन 245 में भी नहीं आने दोगे, सेक्शन 55 में आप ये बोलोगे कि कंपनी
अप्रूवल लेती है प्रेफरेंस शेयर होल्डर से और एनसीएलटी से। सेक्शन 245 में आप ये बोलोगे कि आप क्लास एक्शन सूट यहाँ पे कोई बन ही नहीं रहा, ग्रुप ऑफ पर्सन नहीं है, सिर्फ एक बंदे को प्रॉब्लम है, एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रॉब्लम है, बाकी कोई प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई कॉमन इंटरेस्ट ही नहीं है, आप क्लास एक्शन सूट लगा नहीं सकते, कोई गलत एक्टिविटी दिख नहीं रही, तो हम जाएं क्या, हम तो क्या हो गए, रेमेडी लेस। हम क्या हो गए, रेमेडी लेस। हमको बताओ क्या करें। एनसीएलटी के पास ये मैटर पहुंच गया। एनसीएलटी बोला देखो सेक्शन 55 में हमें भी पता है कि कोई रेमेडी नहीं है प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास, पर थोड़ा बैकग्राउंड में चलते हैं, थोड़ा पीछे चलते हैं जब ये सेक्शन 55 बना होगा। सेक्शन 55 बना क्यों था, सेक्शन 55 में साफ साफ लिखा है कि कंपनी इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकती, आज नहीं तो कल कंपनी को पैसा रिडीम करना ही पड़ेगा, 20 साल का मैक्सिमम टाइम है, उस बीच कंपनी को पैसा रिडीम करना पड़ेगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का। ऑल्दो कोई रेमेडी के प्रोविजंस नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर को रेमेडी लेस कर देंगे। अगर उसने प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने कोई एप्लीकेशन लगाई है, किसको पेटिशन लगाई है एनसीएलटी को, तो उसको सुनना पड़ेगा। सेक्शन 55 सबसेक्शन 3 हमें भी पता है कि ये क्या बोलता है, हमें भी पता है ये बोलता है कि अगर कंपनी क्या करा रही है, अगर कंपनी प्रेफरेंस शेयर रिडीम नहीं करा रही तो फर्दर इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कर सकती है सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर एंड एनसीएलटी, 3/4 इन वैल्यू आपको क्या चाहिए, अप्रूवल चाहिए। और जो शेयर होल्डर, एक चीज और लिखी है, जो शेयर होल्डर मना कर देगा ना कि यार मेरे को फर्दर इशू नहीं करवाना, तो उसका पैसा क्या करना पड़ेगा, रिडीम करना पड़ेगा। इस पॉइंट पे ध्यान से सुनो, इस पॉइंट पे क्या कर सकती है, उसको रेमेडी मिल सकती है। जिस बंदे ने मना कर दिया सेक्शन 55(3) में, भाई मेरे को फर्दर इश्यू चाहिए ही नहीं, तो एनसीएलटी को उसको क्या ऑर्डर करना पड़ता है, एनसीएलटी को कंपनी को बोलना पड़ता है कि इसका पैसा क्या करो, इसका प्रेफरेंस शेयर क्या करो, रिडीम करो, इसका पैसा वापस करो। सेक्शन 55 सबसेक्शन 3 में अगर किसी प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने यह बोल दिया कि मेरे को पैसा नहीं चाहिए, तो तुम्हारे फर्दर प्रेफरेंस शेयर नहीं चाहिए, मुझे अपना पैसा चाहिए, रिडीम करो, तो कंपनी को रिडीम करना पड़ेगा एट एनी कॉस्ट, एनसीएलटी को ऑर्डर देना पड़ेगा। तो एनसीएलटी ने बोला देख 55 में तुम आ सकते हो, सेक्शन 55 में तुम आ सकते हो। दूसरा कंसर्न क्या था कि तुमने सेक्शन 245 में नहीं आने देंगे। एनसीएलटी बोला सेक्शन 245 में, पहली बात तो ये कि सेक्शन 255 मेंबर की डेफिनेशन, प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्या होते हैं, मेंबर होते हैं कंपनी के, अगर उन्हें कोई तकलीफ है और उनके पास क्या है 10% इन वैल्यू है, अगर उनको तकलीफ है तो वो क्या कर सकते हैं, एक तो मेंबर है दो सेक्शन 255 में, और वो क्या कर सकते हैं सेक्शन 245 में भी क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन लगा सकते हैं एनसीएलटी को। एनसीएलटी को वो सुननी पड़ेगी, एनसीएलटी का जो डिसीजन था वो गलत था कि आप नहीं आ सकते हैं यहाँ पे, एनसीएलटी को आपकी बात क्या करनी पड़ेगी, सुननी पड़ेगी। और ये मैटर क्या कर दिया, एनसीएलटी ने रेमिट बैक कर दिया एनसीएलटी को। एनसीएलटी ने क्या बोला कि ये मैटर, एनसीएलटी ने एनसीएलटी को बोला सुनो एनसीएलटी, एक आपके लिए ना रूल 11 ऑफ एनसीएलटी रूल्स बना हुआ है 2016, इसमें क्या है आपके पास इनहेरेंट पावर्स हैं, ट्रिब्यूनल के पास क्या होती है इनहेरेंट पावर्स होती है, एनसीएलटी के पास क्या होती है इनहेरेंट पावर्स होती है, आप किसी भी मैटर को सुन सकते हो टू मीट एंड्स ऑफ जस्टिस, या फिर कोई तकलीफ है जहां पे कोई रेमेडी अवेलेबल नहीं है, एनसीएलटी के पास इनहेरेंट पावर है, रूल्स में पावर है, इन पावर का यूज करो। सेक्शन और बैंक ऑफ बड़ौदा का आप सेक्शन 55(3) में एप्लीकेशन लगाओ या सेक्शन 245 में एप्लीकेशन लगाओ, आपकी बात सुनी जाएगी। एनसीएलटी को मैटर रेमिट किया, एनसीएलटी का जो डिसीजन था उसको क्या किया, डिसमिस किया। नेक्स्ट केस आता है हमारा केस नंबर 20 है जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस रिलायंस जियो इंफोकॉम लिमिटेड एंड इनकम टैक्स ऑफिसर वर्सेस रिलायंस जियो इंफ्राटेल प्राइवेट लिमिटेड। इस केस में हुआ क्या, इस केस में हुआ कि जियो कंपनी ने एक
जियो कंपनी एक कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट की स्कीम लेके आई, सेक्शन 230 232 डील करते हैं कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट से। रिलायंस जियो क्या लेके आई, एक कॉम्पोजिट स्कीम लेके आई। उस कॉम्पोजिट स्कीम में क्या था और इस केस के फैक्ट्स क्या है वो देखते हैं। क्या थी ये कॉम्पोजिट स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट, इसमें मल्टीपल कॉम्पोजिट स्कीम में क्या होता है, मल्टीपल कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट होते हैं। स्कीम में क्या था, सबसे पहले स्कीम में क्या था कि एक कंपनी थी, कौन लेके आई, रिलायंस जियो नाम देते हैं इसको, रिलायंस जियो। ये कंपनी क्या करती है, 4G नेटवर्क सिम वगैरह सर्विसेज प्रोवाइड करती है, रिलायंस जियो इंफोकॉम लिमिटेड, इसको हम अब से क्या बोलेंगे, रिलायंस जियो। इस कंपनी ने क्या किया, ये क्या करती है, 4G सर्विसेज देती है, कम्युनिकेशन सर्विसेज देती है। ये कंपनी क्या लेके आई, कॉम्पोजिट स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट। स्कीम में क्या था, कंपनी ने बोला कि हमारा ना एक ऑप्टिक फाइबर डिवीजन है, ऑप्टिक फाइबर डिवीजन है, अंडरटेकिंग है, इसको क्या कर रहे हैं हम, डीमर्ज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डीमर्ज कर रहे हैं हम अपनी कंपनी का, क्या कर रहे हैं, डीमर्जर कर रहे हैं। डीमर्ज करके इसको हम एक नई कंपनी बना रहे हैं, उस नई कंपनी का नाम है जियो डिजिटल फाइबर प्राइवेट लिमिटेड। ये अंडरटेकिंग का क्या कर रहे हैं हम, डीमर्जर कर रहे हैं और एक नई कंपनी बना रहे हैं, उसका नाम क्या है, जियो डिजिटल फाइबर प्राइवेट लिमिटेड। एक हमारी है टावर इंफ्रा कंपनी, टावर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, टावर इंफ्रास्ट्रक्चर अंडरटेकिंग, एक हमारी ये डिवीजन है, इसको हम क्या कर रहे हैं, इसका हम स्लंप सेल कर रहे हैं, स्लंप सेल कर रहे हैं, पूरी की पूरी अंडरटेकिंग उठा के किसको बेच रहे हैं, हम बेच रहे हैं रिलायंस जियो इंफ्राटेल को, रिलायंस जियो इंफ्राटेल को ये कंपनी का कर रहे हैं, बेच रहे हैं प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी नई कंपनी नहीं है, ये कंपनी 2013 से इनकॉर्पोरेट हो रखी है, ये कंपनी क्या है, रिलायंस की पुरानी कंपनी है। ऑप्टिक फाइबर क्या होता है, ऑप्टिक फाइबर फास्ट जो इंटरनेट कनेक्शन होते हैं, 100 Mbps, 200 Mbps, 500 Mbps, 1 GB/s जो फास्ट इंटरनेट कनेक्शन होते हैं, किसकी मदद से हमारे घर में आते हैं, ऑप्टिक फाइबर की वजह से, ब्रॉडबैंड कनेक्शन, ऑप्टिक फाइबर लगता है उसमें। ऑप्टिक फाइबर क्या करनी पड़ती है, ऑप्टिक फाइबर बिछानी पड़ती है पूरी, उसका एक क्या बनाना पड़ता है, पूरा एक कनेक्शन बनाना पड़ता है, और इसमें क्या होता है, काफी खर्चा आता है। पहले के टाइम पे क्या होता था कि कॉपर की वायर होती थी, जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन चलते थे वो कॉपर की वायर होती थी। आज के टाइम पे एडवांसमेंट हो गई है और नई टेक्नोलॉजी क्या आ गई, ऑप्टिक फाइबर फास्ट इंटरनेट कनेक्शन के लिए। ये क्या करता था, टावर इंफ्रास्ट्रक्चर अंडरटेकिंग, 4G और 4G के टावर, 5G के टावर, सारे टावर खड़े करने का काम किसका था, टावर इंफ्रास्ट्रक्चर अंडरटेकिंग का। तो इन्होंने कहा ये जो अंडरटेकिंग है हम क्या कर रहे हैं, स्लम सेल कर रहे हैं, बेसिकली इस डिवीजन को हम क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं रिलायंस जियो इंफ्राटेल को। ये हमारी कंपनी है 2013 में, इसको हमने बनाया था। एक काम और हम कर रहे हैं कि कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स का सेक्शन, सेक्शन 55 इंटू लोन। अभी तक क्या था कि जियो, ये जो रिलायंस जियो इंफोकॉम है, जियो अभी लिखूंगा मैं, रिलायंस जियो इंफोकॉम, इसने क्या कर रखे थे, इशू कर रखे थे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को प्रेफरेंस शेयर्स 65,000 करोड़ के। अभी ये कंपनी क्या टूट गई, तीन कंपनियों में टूट गई, जियो, एक ये ऑप्टिक फाइबर वाली डिजिटल फाइबर, और एक रिलायंस इंफ्राटेल, इसके पास क्या चला गया, टावर अंडरटेकिंग। अब ये कंपनी क्या होगी, तीन भागों में डिवाइड होगी। तो ये जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं
इसको भी क्या किया, इसको क्या कर रहे हैं हम 60,000 प्रेफरेंस शेयर्स को अब हम क्या कर रहे हैं कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू लोन, कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू लोन। और अब पहले सिर्फ ये जो अकेली कंपनी थी इसका होल्डर कौन था, प्रेफरेंस शेयर होल्डर कौन था, रिलायंस। अब रिलायंस तीनों कंपनी में क्या है, क्रेडिटर बन जाएगा। ये कंपनी कितना देगी लोन, ये कंपनी कितना लोन है इस कंपनी को, रिलायंस ने कितना लोन दे रखा है, ये क्या कर लिया, इसको प्रोपोर्शनेट कर लिया। रिलायंस जियो 7,822 करोड़, डिजिटल फाइबर 45,342 करोड़, और इंफ्राटेल 11,836 करोड़। इतना इतने अमाउंट का क्या बन गया, क्रेडिटर बन गया कौन, रिलायंस इंडस्ट्रीज इन इन कंपनीज में। ये क्या हो गया 65,000 करोड़ के जो प्रेफरेंस शेयर थे इंक्लूडिंग सिक्योरिटी प्रीमियम, उसका क्या हो गया, इन्होंने लोन में कन्वर्जन करवा लिया एज पर स्कीम। स्कीम को क्या किया, एनसीएलटी में भेजा अप्रूवल के लिए। एनसीएलटी क्या करता है, ऑब्जेक्शन मंगाता है एज पर सेक्शन 230-232, ऑब्जेक्शन मंगाता है किसके, आरओसी के, आरडी के, सेबी के, स्टॉक एक्सचेंज के, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सबसे क्या मंगाए जाते हैं, ऑब्जेक्शन मंगाए जाते हैं कि ये जो कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट हो रहा है बिटवीन मेंबर या क्लास ऑफ मेंबर या क्रेडिटर और क्लास ऑफ क्रेडिटर, इसमें से आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, अगर आपको दिक्कत है तो बताओ। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बोला कि सर हमें दिक्कत है, आईटी डिपार्टमेंट ने बोला, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बोला हमें दिक्कत है, यहाँ पे क्या हो रहा है, टैक्स इवेजन हो रहा है और टैक्स अवॉइडेंस हो रहा है। एनसीएलटी ने इनकी बात ना सुनी, सुनी और सुन के अनसुना कर दी, क्योंकि इसका रिप्लाई रिलायंस जियो ने कर दिया कि सर हम सब कुछ एज पर लॉ कर रहे हैं, कुछ भी अगेंस्ट नहीं है, ये जो स्कीम है एज पर लॉ है और यहाँ पे कुछ भी ऐसा अगेंस्ट द लॉ नहीं हो रहा। अगर आपको लग रहा है कुछ अगेंस्ट द लॉ तो आप इनकम टैक्स एक्ट के अंदर प्रोसीडिंग्स चला सकते हैं, वहां इंक्वायरी कर सकते हैं। आप हमारे कंपनीज एक्ट 2013 में की स्कीम में कोई बाधा मत डालिए प्लीज, वहां आप प्रोसीडिंग चलानी है, जो भी इंक्वायरी करनी है, जो भी आपको आंसर चाहिए, हम एज पर इनकम टैक्स एक्ट आपको दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर यहाँ पे हमारी स्कीम अप्रूव करने दो। अब इस चीज का कंपनी ने रैशनल क्या दिया ना, कंपनी ने इस चीज का, इस चीज को जस्टिफाई ऐसे किया, देखो डीमर्जर करना, दूसरी कंपनीज बनाना, ये बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है। जैसे टाटा मोटर्स है तो स्टील कहां से लेती है, टाटा स्टील से लेती है, तो क्या कहते हैं, दो कंपनियां, एक ही ग्रुप की दो कंपनियां हैं तो वो साथ मिलके काम करती हैं। तो ऐसा बहुत जगह देखने को मिलता है, अगर टाटा के होटल्स हैं, टाटा के होटल्स हैं तो टाटा का नमक, अगर वहां खाना बन रहा है तो नमक कहां से आएगा, टाटा सॉल्ट से, स्पाइसेस कहां से आएंगे, टाटा से। तो ऐसा होता है, मान लो एक एग्जांपल और लेते हैं कि एप्पल कंपनी आज तो फॉक्सकॉन से मान लो अपने फोन मैन्युफैक्चर कर रही है, पर मान लो पीछे बैकएंड में उन्होंने एक मैन्युफैक्चरिंग भी अपनी छोटी सी शुरू कर दी। अब उनको लगा कि हम मैन्युफैक्चरिंग खुद कर सकते हैं और मैन्युफैक्चरिंग के हमें स्टैंडर्ड्स और बढ़ाने हैं, फॉक्सकॉन उन स्टैंडर्ड्स को पूरा नहीं कर पा रहा, तो मैन्युफैक्चरिंग की जो हमने पीछे छोटी सी यूनिट बनाई है इसको हम क्या करते हैं, डीमर्ज कर देते हैं, हम अपने से अलग कर देते हैं, एक नई कंपनी बना देते हैं, और वो क्या करेगी, हमारे लिए फोन्स मैन्युफैक्चर करेगी और हमें, हम क्या करेंगे, उसको पेमेंट करेंगे फोन मैन्युफैक्चर करने की। तो ऐसा ही यहाँ पे हुआ, रिलायंस कहती है कि देखो ऑप्टिक फाइबर को हमने क्या कर दिया, अपने से अलग कर दिया, क्योंकि ऑप्टिक फाइबर में बहुत टाइम जाता है, बहुत स्पेशलाइजेशन जाती है, ये एक अपना ही बिजनेस है, ये हमारे लिए भी ऑप्टिक फाइबर बिछा सकती है, शायद दूसरी कंपनी के लिए भी ऑप्टिक फाइबर बिछा सकती है, वहां से भी रिवेन्यू आएगा, वो भी किसको मिलेगा, कंपनी को ही मिलेगा, अच्छा है। टावर खड़े करना, कंपनी कहती है हमें ना टावर खड़े करने हैं ना हमें ऑप्टिक फाइबर बिछानी है, ये दो काम दूसरी कंपनियां करेंगी, हम तो सिर्फ अपना मार्केटिंग करेंगे, बिजनेस करेंगे, अपना बिजनेस एक्सपैंड करेंगे और चीजें करेंगे, ये दो कंपनियां हमारे दूसरे काम संभाल लेंगी, हमें जरूरत नहीं है काम करने की। तो ये कॉमन प्रैक्टिस देखी जाती है कि कंपनी ने क्या कर दिया, अपनी एक अंडरटेकिंग को या तो स्लम्प सेल कर दिया या डीमर्ज कर दिया। मर्जर डीमर्जर बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है और हर जगह देखने को मिलती है। कंपनी ने कहा हम कुछ गलत नहीं कर रहे, हम सब कुछ एज पर लॉ कर रहे हैं, एज पर एक्ट कर रहे हैं, एज पर
बिजनेस स्टैंडर्ड्स कर रहे हैं, एज पर जैसा है मार्केट के नॉर्म्स है हम वैसे चल रहे हैं, इसमें कोई भी गलत चीज नहीं है। पर इनकम टैक्स एक्ट ने इस पे आपत्ति जाई, पर एनसीएलटी ने स्कीम क्या कर दी, अप्रूव कर दी, स्कीम क्या कर दी, अप्रूव कर दी 2019 में। इस बात से आ गया गुस्सा किसको, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है यार बड़ी बदतमीजी है, तो है हम कह रहे हैं हमें दिक्कत है, तुमने अप्रूव कर दी, हम कह रहे हैं इसको थोड़ा होल्ड कर लो, इसको थोड़ा एडजर्न कर लो, हमें इसको देखना है, हमें इसको अभी परखना है, स्कीम में है क्या टैक्स अवॉइडेंस है, टैक्स इवेजन है, तुमने स्कीम अप्रूव कर दी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहाँ चला गया, एनसीएलएटी के पास। एनसीएलएटी में क्या हुआ वो देखते हैं। अब हम समझते हैं कि इनकम टैक्स को तकलीफ क्या हो रही है इतनी। इसके लिए हमें समझना पड़ेगा डिविडेंड वर्सेस इंटरेस्ट की टैक्सेबिलिटी। अगर वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते तो उनको क्या मिलता, डिविडेंड मिलता। अब वो बन गया क्रेडिटर तो अब उनको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। इनकी टैक्सेबिलिटी अलग है इसलिए उसको तकलीफ हो रही है इतनी कि यहाँ पे टैक्स इवेजन हो रहा है, टैक्स अवॉइडेंस हो रहा है। मान लो आपका क्या है, प्रॉफिट है 100 करोड़, उस पे आपको टैक्स पे करना है 35 करोड़, एग्जांपल के तौर पे ये आ गया आपका 65 करोड़। अब इस पे से आप डिसाइड करोगे, इस अमाउंट में से आप डिसाइड करोगे, इस प्रॉफिट में से आप डिसाइड करोगे कि आपको डिविडेंड लेना है। डिविडेंड मान लो आप 10% डिसाइड करते हो, एग्जांपल के तौर पे 6.5। अब इस पे भी आपका ना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगता है, 6.5 करोड़ पे भी क्या लगता है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, जो कि इफेक्टिव है 17.65%। एक तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स मिलता है और एक क्या बोलता है नॉर्मल टैक्स जो आपका कंपनी पे करती है प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस, एक तो ये मिलता है और एक मिलता है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। 35 करोड़ यहां मिल गया और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स यहां मिल गया। इसके ऊपर सेस वगैरह भी लगता है, वो अलग चीज है। अब देखते हैं कि इंटरेस्ट की टैक्सेबिलिटी कैसे होती है। इंटरेस्ट क्या होता है, ये आपका आ गया प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये आ गया मान लो आपका 100 करोड़। मान लो आपका इंटरेस्ट है 10%, एग्जांपल के तौर पे, तो क्या हुआ आपका 10% ऑफ लोन, जो भी आपका लोन था, लोन भी मान लो लगा लेते हैं कि 100 करोड़ का ही लोन है, 90 करोड़ क्या आ गया आपका प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट प्लस पर बिफोर टैक्स। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स बट ये क्या है आफ्टर इंटरेस्ट। अब क्या लगेगा इस पे टैक्स लगेगा, वही अगर हम 35% के हिसाब से चले तो यहाँ पे हमारा 31.5% टैक्स लगेगा। तो डिपार्टमेंट को एक तो यहां से लगी चोट और एक डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भी गया। इंटरेस्ट की टैक्सेबिलिटी और डिविडेंड की टैक्सेबिलिटी अलग होती है, और जब ये हजारों करोड़ों में फिगर चला जाता है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कह रहा है कि गवर्नमेंट को यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस ऑफ रेवेन्यू होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है टैक्स इवेजन हो रहा है और टैक्स अवॉइडेंस हो रहा है। तो इस स्कीम को क्या करो, अप्रूव मत करो। एनसीएलटी को हमने बोला था स्कीम को अप्रूव मत करो, तब भी एनसीएलटी ने स्कीम को क्या कर दिया, अप्रूव कर दिया। एनसीएलटी के पास क्या आ गई, अपील आ गई। देखो कंपनी क्या बोलती है कि तुम्हारी, देखो तुमने टैक्स के लॉज बना रखे हैं अपने अलग तरीके से, पर हम तो बिजनेस अपने हिसाब से करेंगे ना यार, हम तो जो हमने कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट की स्कीम बनाई है वो बिल्कुल लॉफुल है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है, हम कुछ भी गलत नहीं करना चाह रहे, एज पर कंपनीज एक्ट बनाई है। अगर आपके स्लम सेल के प्रोविजंस हैं इनकम टैक्स एक्ट में, अगर आपके कोई स्लम सेल के प्रोविजंस हैं, जैसे कि सारी प्रॉपर्टी और लाइबिलिटीज बुक वैल्यू पे जाएंगी, सारी प्रॉपर्टी और लाइबिलिटी जो अंडरटेकिंग की थी
वो क्या जाएगी, जो स्लम सेल के पास नई कंपनी के पास जाएगी, जिसको बेची है उस कंपनी के पास जाएगी, जो जो बिजनेस है वो गोइंग कंसर्न बेसिस पे होगा, ये सब कंडीशन दे रखी है इनकम टैक्स एक्ट में। तो कंपनी कह रही है हम सारी कंडीशन फॉलो करने के लिए तैयार हैं, हमारा कोई भी गलत इंटेंशन नहीं है, अगर आपको कोई प्रोसीडिंग करनी है तो आप इनकम टैक्स एक्ट में कर सकते हो, आपको लिबर्टी है। तो हमारी जो है ना स्कीम, यहाँ पे आप मत रुकवाओ, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्शन मत करो, हमारी स्कीम क्या है बिल्कुल लॉफुल है, एज पर कंपनीज एक्ट 2013 है, एज पर इनकम टैक्स एक्ट है, सब एक्ट का हमने फॉलो किया है। एनसीएलटी ने भी ये मान लिया और एनसीएलएटी ने भी माना कि कंपनी बिल्कुल सही है, कोई तकलीफ नहीं है, स्कीम बिल्कुल एज पर लॉ है। टैक्स के जो प्रोविजंस अगर आपको लग रहे हैं कुछ दिक्कत है तो प्रोसीडिंग्स आप इनकम टैक्स एक्ट में कर लो, आपको लग रहा है टैक्स अवॉइडेंस है, बेसिकली ऐसे ही होता है, इंटरेस्ट की टैक्सेबिलिटी अलग होती है, डिविडेंड की टैक्सेबिलिटी अलग होती है। इंटरेस्ट में क्या लगता है, इंटरेस्ट अगर अगर कंपनी को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है तो टैक्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है गवर्नमेंट पर। डिविडेंड में एक तो कंपनी को बिफोर डिविडेंड टैक्स देना पड़ता है और एक डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भी कंपनी को देना पड़ता है। तो क्या आया ये फेवर, किसके फेवर में आया, रिलायंस जियो के फेवर में ये केस आया और ये बोला गया कि स्कीम क्या है अप्रूव्ड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द लेक्चर।